2020। उसके बाद आपका पूरा एक सेशन चलेगा। सेशन चलने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तो प्रिपरेटरी ब्रेक 1/3/2021 से 7/3/2021 का टाइम आपको इसी बीच में दिया जाएगा। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा 8/3 से 26/3/2021 में। इसी के साथ सेमेस्टर ब्रेक आपका होगा 27/3 से 4/4/2021। नेक्स्ट जो क्लासेस सेमेस्टर के बाद स्टार्ट होंगी उसमें 5/4/2021 से आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के साथ आपका सेशन आगे बढ़ेगा और फिर आपके जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो उस वक्त आपको 1/8 से 8/8/2021 का ये टाइम मिलेगा जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन वगैरह करनी होगी एग्ज़ाम की। फिर कंडक्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो आपका जो दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो 9/8 से 21/8/2021, ये इवन सेमेस्टर का की बात हो रही है। उसी के साथ फिर सेमेस्टर ब्रेक होगा 22/8 से 29/8/2021। तो ये सेमेस्टर ब्रेक हो गया और इसके बाद फिर कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन फॉर दिस बैच 30/8/2021 से आपका नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पे देखनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के रिजल्ट के डिक्लेयर करने में अगर कुछ देरी हो रही है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज सेड द यूनिवर्सिटीज मे प्लान एंड स्टार्ट द एकेडमिक सेशन बाय 18 नवंबर। अगर उनका लेट हो रहा है तो फिर आप यूनिवर्सिटी को ये डायरेक्शन दिया गया है कि 18 नवंबर तक वो अपने क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड, तो ये जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से उसको भी चलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड के हिसाब से। तो हो सकता है कि क्लासेस वगैरह स्टार्ट ना हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ना खुलें तो इस तरह से क्लासेस हो जाएंगे। अब जिस यूनिवर्सिटी में जिस तरह की चीज़ें होंगी वो वहाँ उस हिसाब से ही किया जाएगा। टू अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप बीइंग फेस्ड बाय द पेरेंट ड्यू टू लॉकडाउन एंड रिलेटेड फैक्टर, द फुल रिफंड ऑफ फी मे be made on the account of the all cancellation of admission migration of a student up to 30 नवंबर। अगर 30 नवंबर से पहले पहले आप अपना पूरा कैंसिलेशन वगैरह करा लेते हैं तो इस वक्त आपको फुल पेमेंट वगैरह कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ सेशन है तो कुछ उसके बाद अगर कराते हैं 31 के बाद तो आपके 1000 काट के बाकी सारे जो पैसे हैं आपके वो आपको दे दिए जाएंगे। तो ये एकेडमिक कैलेंडर है नया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से आया है कि कब से आपके सेशन स्टार्ट होने, कब तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करने हैं, यूनिवर्सिटी को ये गाइडलाइंस हैं। तो ये एक अब देखिए यह हो पाता है या नहीं क्योंकि इस तरह के बहुत सारी नोटिस आ चुके हैं लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें अभी लागू हुई नहीं है। अब देखिए इस गाइडलाइंस का क्या होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।